हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी फेमस नॉवल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन राइटर एंड ही वाज बोर्न इन 1899 एंड डाइड इन 1961। द नॉवल दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर वाज रिटन इन 1951 एंड पब्लिश्ड इन 1952। तो लेट अस मूव टूवर्ड द नॉवल दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। यू मे से इट अ नॉवेला बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं आप, नॉवेला छोटा नॉवल को कहते हैं। और ये इसमें देखिए, इसके टाइटल में ओल्ड मैन एक नाउन है, सी भी एक नाउन है, और दोनों नाउन को दी के साथ मिलाया गया है। दी डेफिनेट आर्टिकल है और एंड कंजंक्शन है यहाँ। और एक और बात इस टाइटल में कि देखें, दी देर आर थ्री लेटर्स इन द वर्ड दी। दी में तीन लेटर है, टी एच और दी। ओल्ड में भी तीन लेटर है, ओ एल एंड डी। मैन में भी थ्री लेटर है, एंड में भी थ्री लेटर है, डी में भी थ्री लेटर है, सी में भी थ्री लेटर है, एस ई ए सी। थ्री लेटर जो है ये भी सिंबलाइज करते हैं थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ को। क्योंकि माहरीन ने कहा है कि जिंदगी की तीन स्टेजें होती हैं, सुबह, दोपहर और शाम। आपने एक नावल पढ़ा था सोफोक्लीज का, ईडिपस रेक्स, ये ओल्ड नावल है। उसमें एक मॉन्स्टर ने उससे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगी। वो मॉन्स्टर थी, और जो वो शहर में जब वो दाखिल हो रहा था तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो मॉर्निंग में चार टांगों से चलती है और दोपहर में दो टांगों से चलती है और शाम को तीन टांगों से चलती है। तो चूंकि ये एक्सपीरियंस वो खुद कर चुका था, ये इंसान खुद ही था। तो यहाँ जिंदगी की तीन स्टेजें, सुबह, दोपहर और शाम बताया गया है, पैदाइश, जवानी और बुढ़ापा। और यही चीज़ एक और नॉवल में इस तरह बयान की गई है, देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ, हैचेस, मैचेस, डिस्पैचेस। फिर बंदा डिस्पैच हो जाता है, यानी अगले जहान के लिए तैयारी करता है। तो यही इसका एक मैसेज भी है। अब ये पूरे का पूरा नावल जो है, ये क्यूबन विलेज के ऊपर एक जो साहिल है, जो जिसे गुल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गुल्फ स्ट्रीम की मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी है। गुल्फ स्ट्रीम इज अ स्ट्रॉन्ग ओशन करंट दैट ब्रिंग्स वार्म वाटर फ्रॉम गुल्फ ऑफ मैक्सिको इन टू द अटलांटिक सी। गुल्फ ऑफ मैक्सिको का गर्म पानी इस नैरो स्ट्रिप्स जो है, इस नैरो स्ट्रिप गुल्फ स्ट्रीम जो है, इसके वजह जो है वो अटलांटिक सी में आता है। इसी पे सारा ये जो है वो नॉवल बेस करता है। उसी क्यूबन विलेज में एक बीच के किनारे एक बस्ती है, मच्छरों की बस्ती है। उस बस्ती में जाहिर है मच्छरों के घर होंगे और वो उनकी बोट्स होंगी, और वहाँ एक टेरेस भी दिखाया गया है। और टेरेस जो है ये एक होटल को कहते हैं, एक रेस्टोरेंट को कहते हैं। और ये सारे का सारा जो क्यूबन विलेज है, ये अमेरिका की एक स्टेट है फ्लोरिडा, उससे 150 किलोमीटर साउथ में ये बीच दिखाया गया है। उसी बीच पे ये सारा नावल फिल्माया गया है, नावल बनाया गया है। अब उस मछेरों की बस्ती में जो मछेरे जो शाम को, इवनिंग को फिशिंग करके मछलियां पकड़ के लौटते हैं, तो शाम को आके वो टेरेस पे बैठते हैं। असल में टेरेस के साथ साथ वो उनका एक होटल है, उनका एक कम्युनिटी सेंटर भी है, उनका एक सिटी सेंटर कह लें आप, जहाँ पे पूरे दिन की वो थकावट उतारते हैं, चाय पीते हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं, राइस खाते हैं, जो जो मछली खाते हैं जो वहाँ अवेलेबल होता है, और जो कुछ उन्होंने दिन में पकड़ा होता है उसकी डिस्कशन होती है कि आज मैंने इतनी मछलियाँ पकड़ी, आज मैंने इतनी पकड़ी, इतनी मछलियाँ पकड़ी मैंने। और बूढ़े आदमी के बारे में भी बातें कर रहे हैं। उसी में लोग बैठे हैं, और हर जो बैठी है ना ग्रुप, अपने अपने माइंड, अपने अपने माइंड सेट के साथ बैठे हैं। उनका एक जिसे कहते हैं कि अपना अपना फ्रेंडशिप है, उनकी ग्रुप एक दोस्ती का अपना ग्रुप है, दूसरों का अपना ग्रुप है। वो बैठे हैं और वहाँ एक ओल्ड मैन बैठा है, और ओल्ड मैन का नाम है सेंटियागो। उसका एक शागिर्द भी बैठा है, मैनोलिन। ये दो मेन करेक्टर हैं, मैंने लिखे हैं, बाकी एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब ये दो करेक्टर मेन हैं, ओल्ड मैन वहाँ बैठा है, वो भी बता रहा है। बाकी जो है उनकी बातें हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू सी द सेंटियागो, दैट इज द ओल्ड मैन। 84-85 ईयर उसकी एज है। देखिए, उसकी पूरी जिंदगी मछलियाँ पकड़ते गुजरी है। अब उसकी बाकी लाइफ को तो नहीं दिखाया गया, उसको यहाँ से दिखाया गया है नावल में, वो 84 डेज से दिखाया गया। पिछली की लाइफ को छोड़ दें आप, 84 दिन हो गए उसको समंदर में मछलियाँ पकड़ते हुए जाते हुए, लेकिन एक भी मछली उसने नहीं पकड़ी। यहाँ से बात शुरू हो रही है। वो अपना शागिर्द से कह रहा है कि आज 84 दिन है, हर रोज मैं ये सोच के जाता हूँ कि आज मछलियाँ पकड़ूंगा, लेकिन कह रहा है मुझे नहीं पकड़ी जाती। उसका शागिर्द कह रहा है
उसका शागिर्द पहले 40 दिन उसके साथ मछलियां पकड़ने गया था। 40 दिन तक जब कोई मछली नहीं पकड़ी गई तो उसके वालदैन ने कहा, लड़के के वालदैन ने, मैनोलिन के वालदैन ने, कि नाउ द ओल्ड मैन हैज नॉट बीन अ गुड लक, अब गुड लक नहीं रहा ये, ही हैज बिकम सलाओ, अब वो एक वर्स्ट अनलक्की बन चुका है, अब वो किस्मत वाला नहीं है, बदकिस्मत बन चुका है, लिहाजा उसकी कश्ती आप छोड़ दो, हम तुम्हें किसी और के साथ भेजते हैं जो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है, हमने भी कुछ खाना है, हमने कुछ कमाना भी है। लिहाजा 40 दिन लड़का उसके साथ जाता रहा है। अब लड़के को हटा के उसके वालदैन ने किसी और फिश बोट के साथ भेजना शुरू कर दिया है। लड़का कहता है वो मेरे फादर हैं एंड आई हैव टू ओबे देम, मुझे उनको ओबे करना है, इट वॉज माई पापा हु मेड मी लीव, ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे हटाया था, मैं नहीं हटना चाहता था, आई लव यू ओल्ड मैन, कहते ओल्ड मैन तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तो अब वो ओल्ड मैन से कहता है कि मैंने ना 84 दिनों के बाद काफ़ी मछलियाँ पकड़ी हैं, मैंने पैसे भी कमा लिए हैं, अब मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ जाया करूँ। वो कह रहा था, नहीं काश मेरा बेटा होता, लेकिन तुम मेरे नहीं हो, यू आर नॉट माइन, यू आर योर फादर्स एंड योर मदर्स, ये वर्ड उसने बोले थे। ये जोड़ी यानी कि शगिर्द और उस्ताद, ओल्ड मैन एंड मैनोलिन दोनों बातें करते हैं। इनकी बातें सुनकर और इनकी क्या क्या बातें होती हैं, दूसरे ओल्ड मैन कहते हैं इसको, दूसरे मछेरे कहते हैं देखें बड़ा स्याना बनता है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, 84 डेज से एक भी मछली नहीं पकड़ी इसने। अब ये भी उसको कह रहा है, लड़के को कह रहा है, मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि 84 डेज गुजर चुके हैं, मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। तो वो कह रहा है कि आप परेशान ना हो, उसको याद दिलाता है कि एक दफ़ा आपको याद करो, 87 डेज तक आपने कोई मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर आपको मिलना शुरू हो गई थी, तो आप वरी क्यों होते हैं। अब इससे उसको कुछ हौसला मिलता है। अब वो समंदर में शाम को आए हैं, जहाँ से शुरू होता है, इवनिंग का टाइम है, शाम को सारे मछेरे अपनी कश्तियाँ लेकर साहिल पे आ गए हैं, हार्बर पे आ गए हैं, टेरेस में बैठे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है। ओल्ड मैन को इस लड़के ने भी बियर ला के दी कि आप भी बियर पिए, और उसने कहा था कल 85th डे है, कल आप जाएँ, इंशाल्लाह आपको कुछ ज़रूर मिलेगा। तो वो कह रहा है, मुझे श्योर है कि एक बड़ी मछली मेरा इंतज़ार कर रही है, पता नहीं कब मेरे काबू आती है वो। ये बातें कर रहे हैं, लड़का कह रहा है मैं तुम्हें सार्डन ला के दूंगा, मैं तुम्हें टूना ला के दूंगा। सार्डन फिश होती है जिसकी स्मेल फैल जाती है समंदर में, उसको आकर्षित करती है दूसरी मछलियों को पकड़ने में, कुंडी के आगे लगाते हैं। वो कह रहा है मैं तुम्हें वो ला के दूंगा। अब ओल्ड मैन जो है वो साथ साथ देखें, मैंने कहा टेरिस पर बैठे बातें कर रहे हैं, और बाकी जो माहीगीर उनकी पकड़ी हुई मछलियाँ भी वहाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने छोटी मछलियों का एक हम्प लगाया हुआ, ढेर लगाया हुआ, किसी ने बड़ी मछली पकड़ी हुई है, वहाँ एक मार्लन भी है जो दो तख्तों के ऊपर, जो दो फ्लैट तख्तों के ऊपर पड़ी हुई है, और वो हवाना जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उसके उसके जो पकड़ने वाले उसके मालिक जो हैं, चूंकि हवाना जो है बड़ी मंडी है और ये क्यूबा का कैपिटल है, और क्यूबा के कैपिटल हवाना में जब अपनी मछलियाँ बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो वो मछली बड़ी पकड़ी हुई है मार्लन, और वो इंतज़ार कर रहे हैं आइस ट्रक का, चूँकि बगैर आइस ट्रक के जाएगी तो वो तो ख़राब हो जाएगी, लिहाजा वो पड़ी हुई है। और उससे थोड़े चंद किलोमीटर के दूर पर पहाड़ों में कोव में एक और शार्क फैक्ट्री भी लगी हुई है। शार्क फैक्ट्री वो है जहाँ पे शार्क को ले जाया जाता है, उसका लीवर रिमूव किया जाता है, फिन हटाए जाते हैं, उसकी हाइड्स उतारी जाती है, और उसको काटा जाता है स्ट्रिप्स में, उसको साल्टिश नमक लगाया जाता है, जिस तरह हमारे देखें ईद पे कुर्बानी, ईद पे खालों को नमक लगाते हैं ख़राब ना हो जाए, दूर ले जाना हो तो ऐसे ही करते हैं, मछली काट के उसको फिश लगाने, उसको साल्ट लगाने का यही मतलब है कि वो ख़राब ना हो। ये वहाँ उस टेरेस के अराउंड अबाउट में है, क्या है कि कुछ मछलियाँ पड़ी हुई हैं, शार्क फैक्ट्री भी है। बाबा कह रहा है, ओल्ड मैन कह रहा है कि आज शार्क फैक्ट्री की तरफ से स्मेल नहीं आ रही, देखें जहाँ मछलियों के काटने का काम होगा स्मेल तो आएगी ना, आज कह रहा है हवा का रुख जो है ना वो अपोजिट साइड में है, हमारी तरफ नहीं है, आज बड़ी प्लेजेंट हवा आ रही है, बड़ा सनी डे है आज, आज खुशगवार दिन है। ये सारी चीज़ें लक को शो करती हैं कि मेरा आने वाला कल का दिन जो है 85th डे वो अच्छा होगा, यानी आई विल बी एबल टू कैच अ बिग फिश, मैं बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। वो कह रहा है कि 85th डे है ना, 85th डे एक लकी डे है, इस दिन तो कह रहा है कि आप टिकट खरीद लोगे, नामी कूपन खरीद लोगे, वो भी आप विन कर जाओगे, लेकिन कह रहा है वो भी $2.5 का आता है, $2.5 का, हमारे पास तो वो भी नहीं है। लड़का उसको हौसला देता है, लेकिन ओल्ड मैन नॉट ओनली अ फिशरमैन, ही इज़ अ गुड गेमर, वो गेमर भी है, खेलता रहा है और गेम वो खेलने वालों से प्यार भी करता है,
बेसबॉल का एक खिलाड़ी है डी मैग्यू, उससे बड़ा प्यार करता है। उसका बूबी फिशरमैन था, उसका नाम भी लिखा मैंने। डी मैग्यू के फादर फिशरमैन थे, इसलिए वो डी मैग्यू बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था। ओल्ड मैन कहता है कि जिस टीम में डी मैग्यू होता है ना, वो टीम कभी नहीं हारती। और ये किस टीम में है? यंकी टीम में है। देयर थ्री टीम्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवल। एक टीम यंकी टीम है, जिसका एक खिलाड़ी डी मैग्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनका है। और दूसरी टीम है इंडियंस ऑफ क्लीवलैंड, कह रहा है वो हार जाती है इससे। एक तीसरी टीम का जिक्र किया है जो ब्रुकलिन की टीम है। ब्रुकलिन की टीम का एक खिलाड़ी था, उसने कहा सिसलर, तो वो कह रहा है फिलाडेल्फिया उसका नाम है, फिलाडेल्फिया टीम का नाम है, ब्रुकलिन की टीम का नाम फिलाडेल्फिया, उसका एक प्लेयर है सिसलर, कह रहा है वो भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये पसंद करता है डी मैग्यू को, यंकी टीम के खिलाड़ी को। उसकी बातें हो रही हैं, फिर अपनी बात बताता है कि मैं एक दफ़ा जब तेरी उम्र का था, छोटी उम्र का था, तो मैं एक अफ्रीका बाउंडेड शिप पे मैं सवार हो गया, जो अफ्रीका जाने वाला जहाज़ था उस पर मैं सवार हो गया। मैं अफ्रीका गया, वहाँ मैंने गोल्ड बीच देखे, वाइल्ड बीच देखे, वहाँ मैंने इवनिंग में लाइन देखे जो बीच पे फिर रहे थे। देखिए, गोल्ड बीच, वाइट बीच भी एक सिंबल है। आपने कॉनरेड का एक प्ले पढ़ा था, कॉनरेड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें भी यही बताया गया है कि अफ्रीका से जो हाथी दांत की जो तजारत होती थी, ट्रेड होती थी, उसको उसने वाइट लस्ट कहा था, वो भी वाइट ट्रेड कहा था उसने। शायद इसी तरह से हो, क्योंकि हाथी दांत वहाँ से लाए जाते थे, लेकिन ये अलग टॉपिक है। उसकी बातें होती हैं, फिर वो कह रहा है कि मैं एक दफ़ा कैसा ब्लांका लिखा भी है, कैसा ब्लांका में एक नीग्रो के साथ मेरी हैंड गेम हो गई थी। हैंड गेम कहते हैं हाथ पकड़ना टेबल पे, हाथ रख के, कह रहा है उसने चौक के साथ टेबल पे लाइन लगाई थी और हम दोनों ने हाथ पकड़ा था। हमने संडे को ये हाथ पकड़ा था, संडे पूरा दिन, संडे की पूरी रात, मंडे की मॉर्निंग को आई वाज़ द विनर, मैं विनर था। लेकिन जो रेफरी थे ना, उनको मैंने चार चार घंटे बाद, वो आराम करने चले जाते थे, उन्होंने नींद करनी थी, रेस्ट करनी थी, खाना खाना था, लेकिन हम डटे हुए थे। तो कह रहा है चौथे एक दिन और एक रात के बाद मैं अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, और अक्सर जब सोता है तो ख्वाब में उसको लाइन नजर आते हैं। ये उसकी एक ब्रेवरी की निशानी है, एक बहादुरी की निशानी है कि वो डेयरिंग बंदा है, इसलिए वैसे ख्वाब देखता है। ये भी एक सिंबल है, इस सिंबलिज्म में आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट इज सिंबलिज्म। आखिरी लेक्चर आप मिस ना करें। देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचे, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट आप तक जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव कर सकेंगे, तो आप क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे। अगर आपको बात का पता नहीं है तो आपने आंसर कैसे देना है। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंच जाए। तो ये टेरेस पे बैठे हैं, बातें हो रही हैं, और साथ कह रहा है कि सुबह 85th डे है, मैं जाऊंगा और मैं जो है वो ज़रूर मछली पकड़ के लाऊंगा, मुझे पता है कोई मछली मेरे इंतज़ार कर रही है। अब 84 डे हो गए हैं, सुबह 85th डे है। अब वो टेरेस में, मैंने कहा ना शाम का टाइम है, टेरेस में अपनी जो कश्ती का सामान है वो क्या होगा ओल्ड मैन का? जहर है, पकड़ने के लिए कॉयल होंगे, रस्सियां होंगी, जो कुंडियां होंगी वो होगा, और मास्ट होगा, और गाफ होगा, और हारपून होंगे, चप्पू होंगे, ये सारी चीज़ें लड़का और ओल्ड मैन उठा के ओल्ड मैन की झोंपड़ी तक ले कर जाते हैं। झोंपड़ी को कहा गया है शैक, SHAK, शैक, उसको हट भी कहते हैं, कॉटेज भी कहते हैं, बट आपके नॉवल में शैक यूज़ हुआ है। उसने कहा था कि ये सारा कुछ उठा के ओल्ड मैन के साथ लड़का है वो उठा के शैक में लेके गया है। वहाँ जाके ओल्ड मैन से कहते हैं आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। होटल में खाना नहीं खाया उन्होंने, बियर पी है। लड़का उससे कह रहा था मैं तेरे लिए राइस लेके आता हूँ। उसने कहा नहीं, आई हैव अ बॉल ऑफ येलो राइस इन माई हाउस, इन माई हट। है नहीं थे वो, लेकिन लड़के से वो तकल्लफ नहीं लेना चाहता ज़्यादा, वो कह रहा मेरे पास हैं। लड़के ने उसको घर छोड़ा है और उस बूढ़े आदमी के पास वो टेबल चेयर पे बैठ गया है। उसका घर दिखाया गया है जो रॉयल पाम का बना हुआ है, पत्तों की छत बनी हुई है, दीवारें भी ऐसी हैं। उसके कमरे का हाल बताया गया, एक टेबल है, एक चेयर है, एक बेड है, और वो भी पत्तों का बना हुआ है, और दीवार के ऊपर दो तस्वीरें हैं, हजरत यूसुफ मसीह की औरत जिसे कहें मैरी, हजरत मरियम की तस्वीरें हैं, उन्होंने बच्चा ठाया हुआ है, यूसुफ मसीह के हार्ट की तस्वीर है, हार्ट के अंदर ब्लड निकल रहा है। यहाँ से ये कह रहा है दीज आर द रेलिक्स ऑफ माई वाइफ, ये मेरी बीवी की निशानियाँ हैं। मजहबी कह रहा है मैं मजहबी तो नहीं हूँ लेकिन मैं पसंद करता हूँ। अब उसकी वाइफ की फ़ोटो भी है,
लेकिन वाइफ की फोटो वो कह रहा है मुझे याद दिलाती है उसकी, मेरी वाइफ की, लिहाजा वो उसने उतार के नीचे रख दी है, ऊपर साफ कपड़ा रखा है। साफ कपड़ा भी बीवी से मोहब्बत की अलामत है कि मैंने साफ कपड़ा रखा है, क्लीन क्लॉथ के साथ मैंने उसको छुपाया हुआ है, मुझे याद ना दिलाए, लेकिन है घर में ही वो। ये इशू दिखाया गया, इसकी कोई औलाद नहीं है, बस यही इसकी कुल कायनात है, यही झोंपड़ी इसकी कुल दुनिया है और यही रहता है वो। जमीन पे एक चूल्हा पड़ा हुआ है जहां ये चाय वगैरह बनाता होगा, कॉफी वगैरह बनाता होगा। लड़के ने इसको बैठाया है और इसके ऊपर कंबल दे दिया है, फौजी टाइप कंबल है। वो कंबल दे के इसके लिए कुछ खाना लेने जाता है। उसके पास एक अखबार है, अखबार के ऊपर वो मुंह रख के लेट जाता है। अखबार भी सिंबल है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा सिंबलिज्म क्या होते हैं। अब न्यूज़पेपर भी सिंबल है। अब वो लड़का लेने जाता है खाना, लड़का खाना लेके आता है और खाने में क्या है ये मैंने लिखा भी है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। खाने में फ्राइड बनाना है, ब्लैक बीन्स है, राइस है, और ये सारा कुछ उसने कहा था 2 डेकर मेटल कंटेनर में डाले हुए हैं। जैसा हम रोटी का डब्बा नहीं होता, बड़ा सा होता है, 2 डब्बे होते हैं, 2 डेकर उसने कहा, डबल डेकर, डबल मंजिला, 2 मंजिला कह लें आप, उसमें 2 डब्बे होंगे, जाहिर बात है 2 डब्बों में उसने खाना बंद किया हुआ है। और उसने कहा है कि अकेला खाना नहीं है, उसके साथ उसने नाइफ भी दिए हैं, उसको फोक भी दिए हैं, उसको उसके साथ उसने नैपकिन भी दिया है ऊपर डालने के लिए खाना गिरे ना, स्पून भी दिए हैं उसको। देखिए ये मैनर की अलामत है कि खाना खाएं मैनर के साथ। तो ओल्ड मैन कह रहा है इतना कुछ ले आओ यार आप, ये बड़ा महंगा होगा। उसने कहा नहीं, ये जो होटल का मालिक है, टेरेस का मालिक है मार्टन, उसने आपको गिफ्ट दिया है, वो आपका बड़ा हेल्पफुल है, आपसे बड़ा प्यार करता है। उसने कहा था ये ओल्ड मैन और आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप खाना खाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मार्टन जो है उसको भी लिखा मैंने, और ये एक और लिखा है प्रीको, इससे अखबार लेके आया था ना शराब खाने की, ये भी मछेरा है, शराब खाने पे बैठा था, इस पास अखबार था प्रीको के पास, वो लेके आया है, ये इसके लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं। तो मार्टन ने कह रहा है ये खाना भेजा आपके लिए, ये खाना खाता है, 7-2 बियर की बोतलें हैं। देखें बियर की बोतलें, जैसे हम आप कोका कोला कह लें, कोका कोला 2 तरह से पैक होती है ना, एक रेगुलर बोतल में पैक होती है जो पी के आपको बोतल वापस करनी पड़ती है दुकानदार को, और दूसरी डिस्पोजेबल बोतल होती है कि आपको वापस नहीं करनी पड़ती, आप फेंक दें। कह रहा है ये जो बियर की बोतलें हैं ये रेगुलर बोतल में हैं, कह रहा है आप पी लो, मैं फिर इसको वापस करने जाना है शॉपकीपर को। और वो वापस करने गया है, जब वापस आता है तो ओल्ड मैन सो चुका होता है, आराम कर रहा होता है, वो कंबल अच्छी तरह उसकी टांगों पे दे के ना तो जाता है। और उसको पता है, जाने से पहले उसने कहा था कि सुबह मुझे जगा देना, मैं आपके साथ आपका सामान उठा के बोट को आपको पानी में उतारूंगा। तो ओल्ड मैन ने कहा था ठीक है मैं सुबह जगा दूंगा। ओल्ड मैन से वो कह रहा था यू आर माई अलार्म क्लॉक, यानी तुम बूढ़े हो तो मेरा अलार्म क्लॉक हो, तुम मुझे जगाते हो, मुझे तो जाग नहीं आती, मैं तो यंग हूँ, यंग को नींद भी बहुत आती पता है आपको। तो ओल्ड मैन कहता था माई एज इज माई अलार्म क्लॉक, मेरी उम्र जो है मेरा अलार्म क्लॉक है, मैं सारी रात तो जागता रहता हूँ, सुबह भी जल्दी जाग जाता हूँ, चूंकि ओल्ड मैन जल्दी जाग जाते हैं सुबह। वो कह रहा है मेरी उम्र जो है ये मेरा अलार्म क्लॉक है, और सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठता है, अजानों के टाइम, नमाज के टाइम, यानी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज से पहले उठता है वो, अंधेरा होता है, अपना सामान उठाता है, पहले लड़के को जगाता है, जाके लड़का उठता है आंखें मलता ही बस डोजिंग बताया गया, ऊंग रहा था, चल रहा था तो नींद में था, जहर उसकी नींद थी। अब दोनों ने सामान उठाया है, सामान उठा के ओल्ड मैन ने मास्ट उठाया है, मास्ट कहते हैं जो कश्ती के अंदर डंडा होता है, बड़ा सा रॉड होता है जिसके साथ वो कपड़ा लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मास्ट। कपड़ा भी उसका बेचारे का फटा हुआ है। उसने कहा कि आटे की थैली जो होती ना उसका पीस काट के उसको लगाया गया है, जो दूर से नजर आता है कि ये तो डिफीटेड होगा, इसको कहाँ मछली मिलनी जो बेचारा है ही गरीब, तो गरीब से दौलत भी दूर भागती है, ऐसा ही साइन उसने बताया गया है, उसकी गुर्बत का हाल बताया गया है। अब सुबह उठा है लड़का, उसको साथ लिया है सामान लेके, लेकिन समुंदर में जाने से पहले उसे कहता है हम चाय तो पी लें यार, हम कुछ कॉफ़ी तो पी लें। तो मैं लिखा है, यहाँ लिखा है कि उसने चाय पी, दे हैड कॉफी फ्रॉम कंडेंस्ड मिल्क कैन, मिल्क जो केन का डिब्बा में दूध था उसकी बनी ही उन्होंने कॉफ़ी पी है, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैंने पूरी बात लिख दी है। तो उसने कहा था कि आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं ज़रूर फिश पकड़ूंगा, आई फील कॉन्फिडेंट टूडे, आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आज मैं ज़रूर फिश पकड़ूंगा। ये पकड़ के कहाँ जा रहे होते हैं, साहिल की तरफ, हार्बर की तरफ जा रहे होते हैं, अपनी समुंदर में सफ़र के लिए जाना उसने। आज 85th डे है
और ये दोनों वहां गए हैं। लड़का कह रहा है कि मेरे पांव के नीचे जब सैंड के ऊपर मैं चलता था तो पेबल्स या ग्रेवल मुझे लगते थे, इसका मतलब ही वॉज बेयर फुटेड, ही वॉज वॉकिंग बेयर फुटेड, नंगे पांव था। ओल्ड मैन भी नंगे पांव था। ओल्ड मैन ने स्ट्रा का एक हैट पहना हुआ है धूप ना लगे, क्योंकि धूप तो लगेगी जब धूप निकलेगी, उस पहन के उस लड़के ने उसकी कश्ती जो थी वो वहां स्टोन के साथ बांधी हुई थी, उसकी रस्सी खोली है, उसमें सामान रखा है, बूढ़े आदमी को ऊपर बिठाया है, उस कश्ती को पुश करके उसने पानी के अंदर फेंक दिया है। लास्ट सेंटेंस जो इसने बोला है वो ये है, दे स्लाइड द स्किफ इन टू द वाटर। ये सेंटेंस बहुत अहम है चूंकि यहां से उनका पार्ट टू शुरू होने वाला है। दे स्लाइड, उन्होंने पुश किया, स्लाइड होता है धक्का लगा के अंदर भेजा, किसके अंदर, पानी के अंदर, इन टू द वाटर, पानी के अंदर कश्ती को धक्का लगा के भेजा। अब ओल्ड मैन कश्ती के अंदर है, स्किफ उसका नाम है, छोटी कश्ती है, 16 फुट तकरीबन लंबी है, सिंगल मैन इसको ड्राइव करता है चप्पुओं के साथ। अब वो कश्ती के में बैठ गया है ओल्ड मैन और बॉय बाहर खड़ा है साहिल पे, हार्बर पे, उसे कह रहा है गुड लक ओल्ड मैन, ओल्ड मैन गुड लक, यानी अच्छी दुआओं के साथ उसको रुखसत करता है। यहाँ पे पहला लेक्चर खत्म हो गया है। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगले 85 से लेके 87 डे की रात को वापस लौटा है, दो दिन उसने एक फिश पकड़ी है, उस फिश के साथ दो दिन इनकाउंटर होता रहा है, कन्फ्रंटेशन होती रही है, मुठभेड़ होती रही है, लड़ाई होती रही है, और उस फिश को पकड़ा है, उसको पकड़ के किनारे तक कैसे लाया है, दो दिन उसके अगले दो दिन समुंदर में गुजरेंगे, तो देखते रहिए मछली कैसे पकड़ी, कैसे उसने फेस किया, कैसे हालात को फेस किया, कैसे वो पहुंचा, और इसी के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।